हेलो गाइस, आई एम तमन्ना। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज मैं आप लोगों के साथ में कच्चे आम की क्रीमी क्रीमी आइसक्रीम शेयर करने जा रही हूँ, जिसे देख के आपको ऐसा लगेगा जैसे ये कोई जेली की आइसक्रीम बनी है या पिस्ता से आइसक्रीम बनाई गई है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत थोड़े से मिल्क के साथ, दूध के साथ में ये आइसक्रीम बनने वाली है। और ना ही इसमें कोई खोया, ना मावा, ना कोई ड्राई फ्रूट्स, ना ही व्हिप्ड क्रीम, और ना कंडेंस मिल्क, और ना ही कॉर्नफ्लोर। हम लोग इसमें कुछ भी नहीं ऐड करने वाले। और जिन थोड़े से इंग्रेडिएंट के साथ में ये बनने वाली है, बहुत डिलीशियस, बहुत अमेजिंग सी, इतनी ज़्यादा कि आप खाने के बाद में बिना तारीफ़ करे रह ही नहीं सकते। यहाँ तक कि आपके घर में फैमिली मेम्बर जो भी होंगे, जिसने भी खाई ना, सभी लोग इसकी तारीफ़ करेंगे। गाइस, आपने ना कई तरह की आइसक्रीम खाई होंगी, हर फ्लेवर की खाई होगी, वनीला आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम, बटर स्कॉच, स्ट्रॉबेरी कुल्फ़ी, कई तरह की आइसक्रीम खाई होंगी। बट आज ना ये अमेजिंग सी कच्चे आम की आइसक्रीम खाने के बाद आप सारे फ्लेवर में इस फ्लेवर को भी शामिल कर लेंगे। मैं ये तो नहीं कह सकती कि वो सारे फ्लेवर आप भूल जाएंगे और इसे याद रखेंगे, ऐसा नहीं है। बट जो आपके फेवरेट होंगे ना, उसमें आप इसे भी शामिल करने वाले हैं। ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बन के रेडी होती है। तो देखिए, मैंने 3 आम ले लिए हैं, ये कच्चे आम हैं, और इन्हें अच्छे से वॉश करके मैंने पील कर लिया है। तो देखिए, मैंने ना ये इस टाइप के सीड्स वाले लिए हैं, जो ये इस टाइप के बीज जिसके अंदर होते हैं ना, मैंने इस टाइप का आम लिया है। एक आते हैं जिसका हम लोग अचार बनाते हैं ना, जिसमें गुठली निकलती है, वो बहुत खट्टा होता है। तो आप कुछ इस टाइप का ये बीज वाला आम लें। उसका रीज़न ये है, जब हम लोग कम खट्टा आम लेंगे ना, तो जो शुगर है ना, वो कम क्वांटिटी में लगेगी। और अगर वो हम लोग जो गुठली वाला आम आता है वो लेंगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा खट्टा होता है, तो फिर उसमें हम लोगों को ना शुगर बहुत ज़्यादा ऐड करनी पड़ेगी। तो मैंने ये वाला आम लिया है और इसे ग्रेट करना है। तो कोई भी आप ग्रेटर ले लें, जितना हो सके उतना बारीक आप इसे ग्रेट करें। जितना बारीक ग्रेट होगा ना, आगे हमारा प्रोसेस उतना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इन सभी को अच्छे से ग्रेट करना है। आप चाहें ना तो आम की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा बनानी हो, ज़्यादा लोगों के लिए बनाना हो, तो फिर आप इसकी जगह, जैसे मैंने 3 लिए हैं ना, तो आप 4 या 5 भी ले सकते हैं। तो देखिए, मैंने इस टाइप से कुछ लच्छेदार इसे ग्रेट कर लिया है। तो बस कुछ हमें इसी टाइप का चाहिए। अभी मैंने एक पैन लिया है और पैन में ये ग्रेट किया हुआ सारा जितना लच्छेदार है ना, ये लच्छे हैं, इन्हें ऐड कर दिया है और फ्लेम को हाई कर दिया है। हाई फ्लेम पे बस इसे कुछ देर हमें ऐसे ही चला लेना है। वाटर, ऑयल, घी कुछ भी नहीं ऐड करना, बस इसे इसी टाइप से, जिसे कह लें हम लोग कि ड्राई रोस्ट करना। तो हम लोग इसे इस टाइप से कुछ देर बस चलाना है, ज़्यादा देर नहीं, बस 2 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। तो बस अच्छे से इसे हाई फ्लेम पर इस टाइप से आपको मिक्स करते जाना है। उसके बाद में इसमें ऐड करना है शुगर। तो शुगर मैंने 1 बोल ली है, आप बोल का मेजरमेंट देख लीजिए कितना बड़ा लिया है। तो आप ना इसे आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप बीच में एक बार इसे टेस्ट करके देख लें कि ये मीठा है, कम है या ज़्यादा है। और बहुत थोड़ा सा, 3 से 4 स्पून मैंने वाटर इसलिए ऐड कर दिया है कि शुगर के साथ में ये अगर कुक होगा ना, तो ये बहुत ज़्यादा थिक रहेगा, तो ऐसा ना हो कहीं ये बॉटम में लगने लगे, चिपकने लगे, इसलिए बहुत थोड़ा सा इसमें वाटर ऐड करना है। और अभी मैंने इसमें ये ग्रीन फूड कलर ऐड कर दिया है। वैसे ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप इसको लाइक नहीं करते ना, तो आप इसे स्किप कर दीजिए। फूड कलर ऐड करने के बाद में इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। बस इससे कलर थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा, इसीलिए ऐड किया है। कच्चे आम की आइसक्रीम बन रही है, तो जिससे परफेक्ट ग्रीन ग्रीन हरा हरा सा कलर आए, तो समझ में आए कि आम की ही आइसक्रीम है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। तो देखिए, कुछ इस टाइप की जेली जैसी कंसिस्टेंसी में हमें मिल गई। अभी इसे आपको बिल्कुल ठंडा कर लेना है। और एक बढ़िया सी टिप देती हूँ, आप चाहे ना तो इसे 1 साल तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। अच्छा, एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट इसके अंदर जाने वाला है, और वो है ये मस्क मेलन सीड्स। तो आपको इसका पाउडर बनाना है। आपको क्या करना है, मस्क मेलन सीड्स लेना है, अच्छे से वॉश करके, ड्राई करके, फिर इन्हें ग्राइंड कर लेना है, और इस टाइप के स्ट्रेनर से आप इसे स्ट्रेन कर लें। वैसे इस टाइप का स्ट्रेनर सभी के घर में होता है, और अगर नहीं हो तो आपके पास में, जिससे हम लोग फ्राई करने के टाइम पे
फ्राई करी हुई चीज़ें निकालते हैं ना, फ्रेंच फ्राइज़ हो या भजिया हो, पकोड़े हों, इस टाइप के, तो आप वो भी ले सकते हैं। देखिए जो इस तरह का आता है, तो इसमें भी मैं करके दिखा रही हूँ। इससे भी बहुत इजीली पाउडर हमें मिल जाता है, बढ़िया सा परफेक्ट स्ट्रेन हो जाता है। तो इस टाइप से स्ट्रेन करके इसका पाउडर हमें ले लेना है। और अगर आप इसका पाउडर नहीं लेना चाह रहे हैं तो फिर आप इसकी जगह पर काजू का पाउडर ले सकते हैं। तो ये जो ग्रीन पल्प है ना, इसे इसमें डाल देना है। और थोड़ा मैंने एक बोल में डाल के अलग कर दिया है, साइड में रख दिया है। उसका आगे क्या करना है वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो ये डाल के मैंने ना थोड़ा सा इसे एक बार ग्राइंड कर लिया है, बिल्कुल परफेक्ट नहीं किया। और अभी मैं इसमें ये मस्कमेलन सीड्स का पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। और ऐड करने के बाद में थोड़ा सा बस मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मिल्क, हाफ कप के करीब है ये मिल्क। और देखिए इस टाइप से ग्राइंड कर लिया है, तो बस इतना ही फाइन पेस्ट हमें चाहिए, बिल्कुल सेम यही कंसिस्टेंसी चाहिए, इतनी ही थिक थिक सी। तो देखिए अभी मैंने ज़्यादा मिल्क नहीं ऐड किया, सिर्फ हाफ़ कप मिल्क डाल के ग्राइंड किया है। और आगे हाफ़ कप मिल्क हमें इसमें और लेना है। तो ये बाकी जो बचा हुआ मिल्क था ना, वो भी इसमें ऐड कर दिया है। तो मैंने जो कॉफ़ी मग होता है ना, बड़ा वाला कॉफ़ी मग, उसी कप से मैंने मिल्क लिया था। तो बस ये बाकी सारा मिल्क भी इसमें डाल देना है, डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो एक बार मिक्सी को और थोड़ा सा चला लें। और इसे ना मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है सेम उसी फ्राई पैन में जिसमें कि हमने इसे इसके पहले यूज़ किया था। तो मैंने ना इसे टू बैच में ग्राइंड किया है। अभी इसमें आप कोई भी एसेंस ले लें, मैंगो एसेंस ले लें या वनीला एसेंस ले लें या आप केवड़ा वाटर ले लें, जो भी आपके पास में ईज़िली अवेलेबल हो आप वो ऐड कर सकते हैं। और अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप इसमें इलायची पाउडर ऐड कर दें। तो बस कोई भी आपको एक चीज़ इसमें ऐड करनी है, और ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। और अभी आप इसका टेस्ट करके देख लें कि ये खट्टा ज़्यादा तो नहीं है। अगर खट्टा हो तो इस स्टेज पे आपको शुगर पाउडर ऐड करना है, शुगर ऐड नहीं करनी है। और अगर आप शुगर ऐड करना चाहें तो फिर ग्राइंड करने के टाइम ही ऐड कर दें। शुगर आप टेस्ट करके ही ऐड करें, जितना कि खट्टा या मीठा हो उसके अकॉर्डिंग ले लें और फिर एक बार इसे टेस्ट कर लें। चाहें तो एक विस्कर की हेल्प से इसे मिक्स कर दें, और आप कंफर्टेबल हों तो स्पून की हेल्प से ही इसे मिक्स कर दें। परफेक्ट मिक्स करना है, शुगर पाउडर जो है ना उसके लम्स नहीं रहने चाहिए। अभी मैंने ये आइसक्रीम मोल्ड ले लिया है, आपके पास में आइसक्रीम मोल्ड हो तो आप ले लें, और नहीं तो कोई बात नहीं, घर की कोई भी बोल ले लें, ग्लास ले लें, बच्चों का लंच बॉक्स हो तो आप वो भी ले सकते हैं, या आपके पास में पेपर कप हो तो वो ले लें। और इन सभी को आपको अच्छे से इसमें फिल कर देना है जिसमें भी आप बनाना चाह रहे हों। तो इस टाइप से करके ये जितना बैटर है ना आपको फिल कर देना है। और फिल करने के बाद में फिर आगे बताती हूँ। वैसे ये बताइए आपको ये आज की आइसक्रीम की रेसिपी कैसी लग रही है, कुछ ना कुछ तो गेस हो गया होगा ना कि ये कैसी बन के रेडी होगी। जैसी भी बनी हो ना कॉमेंट में बताइएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, और कर लिया सो थैंक यू सो मच। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो देखिए मैंने एक इस टाइप का, इस शेप का बोल लिया है, और बाकी जो बचा था इसमें मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। और ये वही थोड़ी सी जेली है जो कद्दूकस करी हुई रखी थी ना मैंने साइड में, वो है। तो इसे आपको थोड़ी थोड़ी ना सभी में फिल कर देना है। इससे क्या होगा, जब हम लोग आइसक्रीम खाएँगे ना तो जब बीच बीच में ना माउथ में ये थोड़ी थोड़ी आएगी तो ऐसा लगेगा जैसे कोई जेली का टेस्ट आ रहा है, सेम वही टेस्ट मिलेगा। और आप इस जेली को ना एक साल तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। बस हाँ, अगर ये थोड़ा सा रखने में गाढ़ी हो जाए, ठीक हो जाए, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ना मिक्स कर लें, वो बराबर कंसिस्टेंसी में आएगी। जब दिल करे तब बस निकालें और इस टाइप से आइसक्रीम बना लें, बढ़िया सी खट्टी मीठी सी फ्लेवर की मैंगो आइसक्रीम, वो भी कच्चे आम की, बहुत डिलीशियस, बहुत टेस्टी सी बन के रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से करके आप इसे स्टोर कर सकते हैं। तो बाकी बची हुई जेली को भी मैंने इस बोल में सारी डाल दी है, और डाल के इसे मिक्स कर दिया है। और मिक्स करने के बाद में इसे हम लोग सेट होने के लिए फ्रीजर में रखेंगे। तो ये डालने का रीज़न सिर्फ यही है कि जब हम लोग आइसक्रीम खाएँगे ना और माउथ में ये आएगी ना, तो ये जेली वाला बिल्कुल टेक्स्चर, बिल्कुल टेस्ट वही मिलेगा। तो चलिए अभी इसे हम लोग कर देते हैं कवर। तो सभी को कवर कर देना है। तो देखिए मेरे पास में ना आइसक्रीम लिड थी इसी की, तो इससे कवर करना है। और अगर आप जिस चीज़ में बना रहे हैं बोल ग्लास में, तो इस टाइप की लिड नहीं होगी तो आप उसे फॉइल पेपर या किसी
शॉपर बैग से कवर कर दें, जो पॉलीथीन आती है घर में हमारे सामान आता है ना उससे। तो देखिए मैंने ओवरनाइट इसे रख दिया था, इस टाइप से कवर करने से देखिए आइस क्रिस्टल इसके अंदर नहीं जाने पाए, आपको ऊपर दिख रहे होंगे इस टाइप से हैं। तो बस आइसक्रीम देखिए हमारी बहुत ही डिलीशियस बन के रेडी हो गई है। चलिए अब इसे कर लेते हैं डीमोल्ड। तो डीमोल्ड करना बहुत इजी है, किसी भी प्लेट में थाली में आप थोड़ा वाटर रख दें और उस वाटर में आप इसे कुछ देर के लिए रख दें। आजकल तो ना वाटर टैंक में इतना गर्म पानी आता है कि उसी में आप रख दीजिए, झटपट निकल आएगी। तो ये देखिए हमारी आइसक्रीम बढ़िया सी बन के रेडी हो गई है। इस सभी को अच्छे से डिमोल्ड कर लेना है गाइज। इसका टेक्सचर देखिए, इसका कलर देखिए, कलर डालने से ना जो फोर कलर ऐड किया था उसकी रीज़न ये है कि कलर हमारा बहुत अच्छा आता है, बस इसीलिए ऐड की गई थी कि कोई भी चीज़ हो अगर उसका लुक अच्छा है ना, वो अपनी तरफ आपको अट्रैक्ट कर रही तो समझ लीजिए कि वो चीज़ बहुत बढ़िया है। अंदर से चाहे जैसी हो लेकिन देखने में उसका अट्रैक्शन अगर बढ़िया है तो बस समझ लीजिए मज़ा ही आ जाती है। वैसे ये ना आइसक्रीम खाने में भी बहुत टेस्टी है, पर ये आपको तब पता चलेगा जब आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे। तो एक बार आप भी इस टाइप से बनाएं और बना के ख़ुद खाएं, अपनी फैमिली मेम्बर को खिलाएं और अपना फीडबैक मेरे साथ में ज़रूर शेयर करें कि कैसी लगी आज की ये आइसक्रीम की रेसिपी। ये बहुत डिलीशियस, बहुत टेस्टी है। तो चलिए अब इसे भी जल्दी से डीमोल्ड कर लेते हैं। तो बस कोई भी प्लेट की हेल्प से आप इसे लें और हल्का सा टैप करें और ये देखिए बहुत ईजिली ये डीमोल्ड हो जाएगी। अच्छा देखिए जो जेली इस पर हम लोगों ने ऐड की थी ना, वो जेली आपको देख के समझ में आ रही होगी ऊपर से, और जब आप इसे कट करके खाएंगे ना तो ये माउथ में आएगी तो यकीन मानिए बहुत टेस्टी लगेगी, इतनी बढ़िया लगेगी कि पूछिए ही मत। तो देखिए दोनों तरह से मैंने दिखा दिया कि किस टाइप से आपको डीमोल्ड करना है और दोनों का शेप देख लीजिए। तो शेप से हमें मतलब नहीं, कैसा भी शेप हो मेन इसका टेस्ट है, इसका टेक्स्चर है। मैंने आप लोगों के साथ में पके हुए मैंगो की, वाटरमेलन की, सभी तरह की रेसिपी शेयर की है। तो ये रेसिपी जैसी लगी हो कमेंट में बताइएगा। ओके टिल देन बाय।